पीकी ईटिंग स्पेशली बच्चों में एक कॉमन बिहेवियरल प्रॉब्लम है, जहां व्यक्ति अपने खाने के बारे में बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होते हैं। वे सर्टन फूड आइटम्स खाने से मना कर सकते हैं और सिर्फ स्पेसिफिक फूड आइटम्स खाते हैं। खाना कैसे तैयार होता है, कैसे परोसा जाता है, इस बारे में भी वे काफी पर्टिकुलर हो सकते हैं। ये बिहेवियर पेरेंट्स और केयर टेकर्स के लिए काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि कई बच्चों के डेवलपमेंट में पीकी ईटिंग एक कॉमन फेज हो सकता है। पीकी ईटिंग के कई कारण हो सकते हैं। कुछ लोग खाने के टेस्ट, टेक्सचर, स्मेल और अपीयरेंस के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। इन बच्चों को कुछ फूड आइटम्स बहुत कड़वे, चिपचिपे, गंदी स्मेल या टेस्ट वाले लग सकते हैं। पीकी ईटिंग का प्रॉब्लम बचपन के दौरान अपने चरम पर होता है। इस पीरियड में बच्चे अपनी इंडिपेंडेंस और कंट्रोल की भावना डेवलप करते हैं, जिस दौरान वो चूज करना सीखते हैं। कुछ फूड आइटम्स के साथ नेगेटिव एक्सपीरियंस, जैसे कि खाने के बाद चोकिंग, एलर्जिक रिएक्शन या अनइजी फील करना, फूड एवर्जन का कारण बन सकता है। बच्चे अक्सर अपने पेरेंट्स के ईटिंग हैबिट्स की नकल करते हैं। अगर पेरेंट्स अपने खाने के बारे में बहुत सिलेक्टिव या चूजी हो, तो बच्चे भी सिमिलर बिहेवियर अपना सकते हैं। कुछ रिसर्च बताता है कि पिकी ईटिंग वाला बिहेवियर कभी कभी विरासत में मिलता है। अगर एक या दोनों पेरेंट्स बचपन में खाने में चूजी थे, तो उनके किड्स भी ज्यादा सिलेक्टिव हो सकते हैं। पिकी ईटर्स के कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नए फूड आइटम्स को ट्राई करने से रिफ्यूज करना, कुछ स्पेसिफिक टेक्सचर या टाइप्स के फूड आइटम्स को प्रेफरेंस देना, अपने डाइट में लिमिटेड वैरायटी होना, कुछ फेवरेट फूड आइटम्स से ही चिपके रहना, कुछ खास स्मेल्स या टेस्ट्स के प्रति स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिखाना और खाना खाने के टाइम पर धीरे धीरे खाना या खाने में रिलक्टेंस दिखाना। पिकी ईटिंग का इम्पैक्ट। हालांकि पिकी ईटिंग आमतौर पर हानिकारक नहीं होती, पर डाइट बहुत लिमिटेड होने से ये कभी कभी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज डेवलप कर सकती है। पिकी ईटर्स को बैलेंस डाइट देना बहुत जरूरी होता है, जिसमें सभी फूड ग्रुप्स में से वैरायटी ऑफ फूड आइटम शामिल हो। पिकी ईटर्स के सीवियर केसेस में, खासकर छोटे बच्चों में, वेट और या डेवलपमेंटल इश्यूज हो सकते हैं। पिकी ईटर्स को कैसे मैनेज करें? बच्चों को किसी भी नए फूड आइटम को ट्राई करने से पहले अक्सर स्मॉल अमाउंट्स में रिपीटेड एक्सपोजर देने की जरूरत होती है। पेशेंस रखें और दबाव डाले बिना वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स ऑफर करते रहें। मील टाइम एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाए रखें। बच्चों के साथ हेल्दी फूड आइटम्स की शॉपिंग करें। फूड प्रिपरेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करें और एक्सपीरियंस को एंजॉयबल बनाएं। बच्चों को हेल्दी ऑप्शंस में से चूज करने की परमिशन देने से उन्हें कंट्रोल वाली फीलिंग मिलती है और वे नए फूड आइटम्स को ट्राई करने के लिए ज्यादा विलिंग हो सकते हैं। सेट अ गुड हेल्दी एग्जांपल। पेरेंट्स को बच्चों के सामने जितने हो सके उतने वैरायटी ऑफ हेल्दी फूड आइटम्स खाने चाहिए और हेल्दी खाने की हैबिट्स दिखानी चाहिए। जब बच्चे अपने पेरेंट्स को हेल्दी खाने का आनंद लेते हुए देखते हैं, तो वे नए फूड आइटम्स को ट्राई आउट करने की ज्यादा पॉसिबिलिटी रखते हैं। कंसिस्टेंसी इज द की। रेगुलर मील टाइम्स और डेली रूटीन मेंटेन करना डेफिनेटली हेल्प्स। इनमें 3 होलसम बैलेंस मील्स और 2 हेल्दी स्नैक्स दे और इन टाइमिंग्स के अलावा बहुत सारे ऑप्शंस देने से बचे। बच्चों को खाने के लिए फोर्स करना, इनाम या रिश्वत के तौर पर खाने का इस्तेमाल करना खाने के साथ नेगेटिव एसोसिएशन क्रिएट कर सकता है। इसके बजाय नए फूड आइटम्स को ट्राई करने के लिए उन्हें एनकरेज करें और ट्राई करने के बाद उनकी प्रशंसा करें। When to seek help। अगर पिकी ईटिंग सीवियर और परसिस्टेंट रहती है, जिससे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी या ग्रोथ और डेवलपमेंट अफेक्ट हो रही हो, तो अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से कंसल्ट करना ना भूलें। वे आपको गाइड करने के साथ बच्चे को आवश्यक न्यूट्रिएंट्स मिलने का प्लान भी डेवलप कर सकते हैं। पिकी ईटिंग बच्चों के डेवलपमेंट में एक आम फेज है, जिसे कई बच्चे गुजरते हैं। पेशेंस, क्रिएटिविटी और पॉजिटिव अप्रोच के साथ ज्यादातर बच्चे कई तरह के फूड आइटम्स का आनंद लेना सीख सकते हैं। पिकी ईटिंग के रीजंस को समझना और इसे मैनेज करने के लिए स्ट्रेटजीज का उपयोग करना खाने के एक्सपीरियंस को पूरे फैमिली के लिए हेल्दी और एंजॉयबल बनाने में मदद कर सकता है। विद दैट सेड गाइस, वी एंड दिस वीडियो। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस और डाउट्स हो, तो प्लीज कमेंट बिलो। सब्सक्राइब टू अभिजीत। एडियोस।